अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खासदार और हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माजी अध्यक्ष राहुल जी गांधी, इनके वार्ड दिवस के मौके पे प्रभात करवान 14 में आरोग्य शिविर मुफ्त लिया गया है और इस कार्यक्रम जो है होने जा रहा था हमारे शहर मध्य के आमदार परिणतीताई शिंदे, लेकिन कुछ वजह से जो है कल उनकी जो है महाराष्ट्र कमेटी की मीटिंग पे उन्होंने जो है और डीएच पाटिल साहब, शिंदे साहब और हमारे पटोले साहब, इनकी मीटिंग हो गई तो अचानक जो है हमारे आमदार साहब को जो है नंदुरबार के दौरे पे जाना पड़ा। तो वो हिसाब से जो है आज हमारे शहर सोलापुर के शहर अध्यक्ष प्रकाश वाले साहब, इनके शुभ हस्ते ये कार्यक्रम का ओपनिंग किया गया और हमारे सोलापुर महानगर पालिका के गट नेता चेतन भाव नरोटे, इनके हाथों से जो है गोली दवा का भी वाटअप हो गया। और ख़ास करके ये प्रोग्राम हमारा कल का ही था लेकिन हमारे ताई की वजह से थोड़ा आज पे हुआ, लेकिन वो अचानक जाने की वजह से जो है कार्यक्रम जो हो गया। और मैं जो है हमारे यहाँ के युवा नेता जुबेर भाई कुरैशी और बाकी के जो जो लोगों ने हमारे इसके लिए जो है इस काम के लिए मदद की, और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर इलियास शेख साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम को जो है तकरीबन 9 बजे से जो है पेशेंट देख रहे हैं वो, और इतने इसमें जो है पूरा उनके तरफ से जो है पूरा मुफ्त गोली दवा जो है डॉक्टर साहब अपने तरफ से दे रहे हैं। और हमारा सिर्फ जो है इतना निवेदन था कि पूरे प्रभाग के लोग जो आकर जो है इसका फ़ायदा लें, गोर गरीब जो भी है इसका फ़ायदा लेंगे। बस इतना बोलते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। काल काँग्रेस पक्षाचे आमचे ज्येष्ठ नेते अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुलजी गांधी यांचा वाढदिवस होता। ह्या वाढदिवसानिमित्त कालच्यापासून आजपर्यंत सोलापूर शहरामध्ये विविध ठिकाणी विविध कार्यक्रम घेण्यात आले, त्याचाच एक भाग म्हणून प्रभाग क्रमांक 14 आमच्या पक्षाचे नगरसेवक तोपिकबाई हत्तुरे साहब यांनी आज इथे एक आरोग्य शिबिर भरवलेलं आहे। ह्या आरोग्य शिबिरला लोकांचा अति उत्साहाने प्रोत्साहाने लोक इथे येत आहेत आपल्या आरोग्य तपासणीला, तिथे इलाज करून गोळ्या देत आहेत, गोळ्या आणि त्यांना बघायचं सर्व काही मोफत आज ठेवण्यात आलेलं आहे। राहुल गांधीच्या वाढदिवसानिमित्त हा इथं कार्यक्रम घेण्यात आलेला असून ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व नागरिकांचे बंधू भगिनीचे मी स्वागत करतो। तसेच भविष्यामध्ये राजीव गांधी साहेबांनी जे काही भारतासाठी म्हणा आपल्या सोलापूर भारताच्या नागरिकांसाठी जे काही प्रभावशाली आपलं मत मांडत आहेत त्यांना आपला सगळ्याचा पाठिंबा मिळेल अशी अपेक्षा करतो आणि मी ह्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो।